हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है बर्डी विल यू माय पेट और इसके ऑथर हैं विलियम एलिंगम। तो पहले थोड़ा इसके ऑथर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक आयरिश पोइट है और ये अपनी पोइट्री और उसमें इस्तेमाल हुए लिरिक्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1850 से अपने पोएम्स को पब्लिश करवाना शुरू किया था। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी छिपा है। इस कविता में यह दिखाया गया है कि जिस तरह फ्रीडम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही इन बर्ड्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कीमत इनकी आज़ादी को नहीं छीन सकता है। इसमें मेनली दो कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया है। पहली है बर्ड और दूसरी एक लिटिल गर्ल जो इस बर्ड को अपना पेट बनाना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। पहले के चार लाइंस में बताया गया है कि चाइल्ड उस बर्ड से क्या क्या कह रही है। वो चाइल्ड उस बर्ड को प्यार से बर्डी बुला रही है। तो वो उसे कहती है, बर्डी क्या तुम मेरी पेट बनोगी? समर आने में तो अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी ठंड में मैं तुम्हें सिल्कन क्विल्ट दूंगी, मतलब सिल्क की रजाई, और वेलवेट बेड मतलब वेलवेट का बिस्तर और सेटिन का पिल्लो भी दूंगी। सेटिन एक तरह का कपड़ा है, बहुत ही मुलायम होता है, उसी से बना हुआ तकिया भी दूंगी। यहाँ ये जो तीनों कपड़े बताए गए हैं, ये तीनों ही बहुत सॉफ्ट होते हैं और चूंकि बर्ड अभी बहुत छोटी है तो उसके लिए ये चाइल्ड उसे कहती है कि वो सारी चीज़ें उसे देगी जिससे उसे आराम मिलेगा। ये सब सुनकर बर्ड उस चाइल्ड से कहती है कि इससे अच्छा मैं आईवी वॉल में सो लूँगी। यहाँ पर आईवी वॉल का मतलब हुआ दीवार से लगी हुई बेल की लत। जैसे आप लोग देखते होंगे, लताएं जो होती है वो दीवार पे या फिर किसी सहारे से दीवारों पे चढ़ती है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। वहाँ पर कोई बारिश की बूंदें भी नहीं आएंगी। मैं तो वहाँ आराम से बैठ के अपने घोंसले में उन बूंदों को सुना करूँगी। सूर्य की पहली किरण की रोशनी भी मेरे घोंसले में आएगी और मैं वहाँ पर गुनगुनाऊंगी, चहचहाऊंगी और उड़ती फिरूंगी। ये बर्ड यहाँ पे अपने घोंसले के नेचुरल ब्यूटी के बारे में उसे बता रही है। चाइल्ड ने जब उसे पिंजरे में वो सारी चीज़ें ऑफर की थी, वेलवेट बेड, क्विल्ट, उसके जगह पे बर्ड ने उसे बताया कि उसे किस में आराम मिलता है। वो चाइल्ड एक और बार कोशिश करती है उस बर्ड को मनाने के लिए कि वो उसकी पेट बन जाए। तो चाइल्ड फिर उससे कहती है, बर्डी क्या तुम मेरी पेट बनोगी? मैं तुम्हारे लिए डायमंड, एम्बर, एम्बर मतलब एक भूरे कलर का सब्सटेंस जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है, और जेट, ये भी एक प्रिसियस स्टोन है, इन सारी चीज़ों को धागे में पिरोकर तुम्हारे लिए नेकलेस बनाऊंगी। स्ट्रिंग का मतलब हुआ उसको धागे में एक साथ पिरोना, और वो बहुत ही फेयर एंड फाइन मतलब बहुत ही खूबसूरत होगा। मेरे इस बर्ड को खुश करने के लिए मैं ऐसा नेकलेस बनाऊंगी। प्लीज़ का मतलब हुआ खुश करना। ये सब सुनकर बर्ड उस चाइल्ड से कहती है कि आपके डायमंड और जेट के लिए शुक्रिया, पर इन चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर डेंटायर का मतलब हुआ स्वेटर, मतलब और भी अच्छी चीज़ें। आगे की लाइन है, ए फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड। इसका मतलब समझते हैं पहले। उसके फेदर्स उस नेकलेस से ज़्यादा कीमती है क्योंकि इन फेदर्स से वो खुले आसमान में चारों ओर आज़ादी से उड़ सकती है, और उसकी आज़ादी के बदले कोई उसे 1000 पाउंड भी दे तब भी वो अपनी आज़ादी को नहीं बेचेगी।
ये फेदर्स ही उसके लिए नेकलेस का काम करती है। वो चाइल्ड एक लास्ट ट्राई करती है उस बर्ड को अपना पेट बनाने के लिए और उससे कहती है, बर्डी क्या तुम मेरी पेट नहीं बनोगी? हम लोग तुम्हारे लिए सिल्वर फ्रेट का एक डिश ला देंगे। सिल्वर फ्रेट का मतलब हुआ एक ऐसा बर्तन, जो एक ऐसा बर्तन या फिर कोई भी सामान रखने की चीज़ या खाने की चीज़ जो चांदी के तारों से सजी हुई हो। एक गोल्डन कप, एक सोने का बना हुआ कप और तुम्हारे बैठने के लिए आइवरी सीट। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत और वो बहुत ही कीमती होते हैं। तो ये चाइल्ड उस बर्ड के लिए उस आइवरी सीट का अरेंजमेंट करेगी और एक बहुत ही मुलायम कारपेट जिससे तुम्हारे पैरों को कोई नुकसान ना हो। फाइनली बर्ड उस चाइल्ड को नेचुरल चीज़ों के बारे में बताती है, जहाँ वो रहती है, उड़ती है और गाती है। वो उसे बताती है कि कैसे उसकी आज़ादी उसके लिए इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उससे कहती है, क्या बहते हुए पानी को सोने के कप में पिया जा सकता है? मतलब उस बर्ड को तो नदी का बहता हुआ पानी पीने की आदत है। तो वो उससे कहना चाहती है कि क्या उसका वो गोल्ड का कप नदी को होल्ड कर सकता है? उस बर्ड को तो जंगल में घूमना पसंद है। तो वो उससे कहती है, क्या उस सिल्वर के डिश में मेरा पूरा फॉरेस्ट आ सकता है? ए रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर। पेड़ों की टहनियाँ सबसे फाइन चेयर है इस दुनिया में, और जो सबसे सॉफ्ट, सबसे आराम वाला कोई रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुली हवा है। ऐसा कहते हुए वो बर्ड उस चाइल्ड को बाय बाय बोल करके चली जाती है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे इस बर्ड के लिए आज़ादी इन सारी कीमती चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने सारी चीज़ों को मना कर दिया लेकिन अपनी आज़ादी को बिकने नहीं दिया। तो ये पोएम यहीं पे एंड होती है। आई थिंक आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।